जयकारा गुरुदेव का। जीवंत दान और मरने के बाद दान में श्रेष्ठ कौन सा है? उसमें दान करने वाले को और दान कराने वाले को कितना पुण्य मिलता है? माँ बाप अपनी बेटी की शादी कर देते हैं लेकिन अपनी ही बेटी के घर में हस्तक्षेप करते हैं, क्या है उचित है? एक का उत्तर मिलेगा, दो का नहीं, सबको एक का ही होगा, इसलिए सभी एक ही सवाल करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में हताश हो जाते हैं। मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ, दूसरे प्रश्न किसी और के लिए सुरक्षित। आपने पूछा है कि जीते जी दिए गए दान का पुण्य अधिक होता है या मरण के बाद। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मर जाने के बाद आपके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का मालिक कौन होता है? आप या जिनके पीछे छोड़ गए वो? जिनके पीछे छोड़ गए वो। तो जिसकी संपत्ति, वो संपत्ति किसकी हुई? संपत्ति हमारी हो गई। तुम्हारी हुई कि जो छोड़ के, जिसके लिए छोड़ के गए उसकी हुई? चलो थोड़ा हम तुम्हारी मान लेते, तुम्हारे बाबूजी ने जो छोड़ी वो तुम्हारी हो गई ना? हाँ जी। अब तुम्हारी संपत्ति का स्वामी तुम हो, तो जो स्वामी है उसको दान का पुण्य मिलेगा या छोड़ के गया उसको मिलेगा? ठीक है महाराज जी, ये सुनो मेरी बात, ये ठीक नहीं, यही ठीक है, समझे? इसमें बहुत गहराई से समझिए। जीते जी अगर आप दान करोगे तो पूरा पुण्य आपके खाते जाएगा, और संपत्ति छोड़ कर जाओगे तो परिग्रह का पाप सिर पर जाएगा। संपत्ति तो यहीं धरी रह जाएगी पर वो परिग्रह का पाप तुम्हारे साथ लगा है, तुम उस ममत्व के साथ जा रहे हो, और हो सकता है आर्थ रौद्र परिणाम के कारण दुर्गति के पात्र भी बन जाओ। हमें वो कहानी याद रखनी चाहिए कि अपनी संपत्ति से मोह रखने वाला राजा मरा तो अपनी राज खजाने का सांप बन गया, पता है ना? इसलिए मैं आप सबसे सलाह देता हूं, मेरे मरने के बाद लोग मेरी संपत्ति का दान करे, इस मोह में जीने की जगह जीते जी दान देकर अपना कल्याण करें। मैं कहता हूं अपना तिया पांचा अपने हाथ करके जाओ। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति हैं, अब तो नहीं रहे इस दुनिया में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, 82 वर्ष की अवस्था में वो मिले। उन्होंने क्या किया, बड़े बिंदास आदमी थे, उनने अपना चबूतरा और अपने मरने के पहले ही अपना भोज दे दिया। चबूतरा अपने पैसे से बनवाया और गांव को पूरा भोज दे दिया। बोले अरे बाद में मेरे भोज देंगे, उसमें मैं थोड़ी रहूंगा। और जो दान पुण्य करना था वो भी कर लिया। बात समझने की है, बहुत गहरी है। लोग जीवन भर धन जोड़ते हैं, धन के मोह में और संतान के मोह में मरकर दुर्गति के पात्र बनते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को ये चाहिए, जीते जी जितना आवश्यक है धन जोड़े, अपनी संतान को जितना जरूरी है उतना दे, और जाने के पहले अपनी संपत्ति का अच्छे कार्य में विनियोजन करके जाए, छोड़ के न जाए, अपने साथ लेकर जाए, वो उसके लिए कल्याणकारी है। परिग्रह का बोझ अपने सिर पर लेकर मत जाओ। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, खांटी करोड़पति आदमी, उनने अपने बेटे का राज तिलक कर दिया, अपने बेटे का राज तिलक किया, बड़ा समारोह किया उसका, और राज तिलक करके अपनी संपत्ति का स्वत्व और स्वामित्व से सौंप दिया। अपने पास बहुत थोड़ा रखा और मुझसे आके कहा, महाराज अब निर्भर हो गया हूँ, मेरे पास मेरा इतना ही परिग्रह है। और राज तिलक करते समय उसे जो भी दान निकालना था वो दान भी निकाला, अपने लिए इतना रखा जितना मुझे चाहिए। तो ये भी एक दृष्टिकोण है, क्या आप लोग ऐसा नहीं कर सकते? मरते तक चिपके रहते हो, जैसे शायद ले जाओ, न भूतो न भविष्यति।